जोर जोर से बोलिए ताकि वो आपकी आवाज भी रिकॉर्डिंग हो, आप तमिल भाषा में बोल रहे हैं। माता जी बोल रही है अपने जीवन में जो जो कष्ट कुछ भी होते है वो कुछ भी बोलने का तो सोचते है बाबा का सामने, कुछ भी बोलने का सोचते है, लेकिन बाबा सामने आने से वो कैसा गुम हो जाता है पता नहीं। शांति का कारण कैसे साबित होगा, बच्चों को अनुभव कैसे होगा कि बाप शांति का सागर है, या हमारा ही बाप है या सबका बाप है। आपको अनुभव होता है, दूसरे को अनुभव नहीं होता, इसका मतलब आत्माओं का बाप है, देह अभिमानियों का बाप नहीं है। शांति का सागर है तो बाप तो कहते हैं मुझे घर में याद करो, क्या शांति धाम को याद करो कहते हैं कि नहीं, उसको याद करो, अपने घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो कहते हैं ना, तो स्वर्ग को याद करो, शांति धाम को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ, मुझे याद करो, तो तीन बातें हो गई, क्या स्वर्ग को याद करो, शांति धाम को याद करो, मन सुख धाम शांति धाम को याद करो, बाप को याद करो, तो तीन बातें याद। अब एक को याद करें या तीन को याद करें, तीन को याद करें, बोलने में क्या बोला है, एक को याद करने के लिए बोला है या तीन को याद करने के लिए बोला है, एक ही है, भले तीन मूर्तियां दिखाई है, तीन मूर्तियां जो है उनमें एक नीचे की मूर्ति है दुख धाम की ओर ब्रह्मा, एक बीच की मूर्ति है सुख धाम बैलेंस वाली, एक ऊपर की मूर्ति है शांति धाम की नजदीक, वो शांति धाम का अधिष्ठाता कौन, शंकर, सुखधाम का अधिष्ठाता, सुखधाम का अधिष्ठाता विष्णु, और दुखधाम का अधिष्ठाता ब्रह्म। उनमें दुखधाम को याद नहीं करना है, न दुखधाम के अधिष्ठाता को याद करना, मुरली में मना कर दिया, क्या ब्रह्मा को याद नहीं करना, तो किसको याद करना, फिर दो मूर्तियां रह गई, कौन कौन सी दो मूर्तियां, सुखधाम का अधिष्ठाता विष्णु रूप यानी लक्ष्मी नारायण को याद करो, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करो, क्या लक्ष्मी से भी ऊंचा कौन, नारायण, लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ बोला या नारायण बनने का पुरुषार्थ बोला, नारायण बनने का, स्त्री चोला है तो भी क्या करना है, क्या बनना है, राजा बनना है कि रानी बनना है, राजा बनना है, राजी बनना तो राजी तो आधीन हो जाएगी, विजयमाला का मणका बनना ये बड़ी बात है या शिव बाबा की सिमरनी की मणका रुद्रमाला का मणका बनना बड़ी बात है। बाबा इसका अर्थ जैसा नारी नारी से लक्ष्मी बनना क्यों बोलते हो आप, अंदर आप अंदर से आत्मा कर, आपके अपने अपनी अपनी अंदर की आत्मा में अनुभूति करके देखिए कि आप राजा की क्वालिटी की आत्मा है या अधीन रहने वाली रानी की क्वालिटी की आत्मा है, आप जरा अपनी अपने अंदर की आत्मा को देखिए क्या है, तो नर है नारी है, आत्मिक स्थिति में आप क्या है, आप देह के रूप में क्यों देखते हैं, अंदरूनी रूप से आप पुरुष है या स्त्री है, आप क्या है, अरे क्या है, यहाँ रहने वाले एडवांस में चलने वाले जो भी हैं वो कोई भी स्त्री नहीं बनना चाहते, भले स्त्री चोला है तो भी कंट्रोल हमारा हो, अब कंट्रोल हमारा हो तो कंट्रोल करने वाला तो राजा होता है, रानी रानी कंट्रोल होने वाली होगी या कंट्रोल करेगी, अधीन होगी या अधिकारी होगी, अधिकारी होगी अधिकारी, रानी तो अधीन होगी लेकिन जो राजा बनने वाला है वो तो अधिकारी होगा। तो मुख्य बात यह है कि हमको सुखधाम को याद करना है, सुखधाम के अधिष्ठाता के स्वरूप को याद करना है, और शांति धाम को याद करना है, और शांति देवा को याद करना, शांति देवा में वो निराकार शिव है प्रवेश, तब ही हम पहचान सकते हैं, अगर वो प्रवेश नहीं है तो शांति देवा को पहचानने वाला भी कोई नहीं हो सकता।
तो दो रूप हैं, एक सुखधाम एक शांति धाम और एक शिव बाबा। अब शिव बाबा में दोनों रूप समाये हुए हैं। क्या शिव बाबा जो है उसमें एक ही रूप है, पुरुष रूप या माता का रूप भी है? जब हम कहते हैं शिव बाबा तो शिव बाबा का जो रूप है शांति धाम की अधिष्ठाता का रूप है, उसमें सिर्फ माता का रूप ही समाया हुआ है या बाप भी समाया हुआ है या दोनों समाये हुए हैं? दोनों समाये हुए। दोनों कैसे? हाँ, आधा चंद्रमा उसमें प्रवेश है। अगर शंकर में आधा चंद्रमा न हो, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अगर प्रवेश न हो तो शंकर ही नहीं कहा जाएगा। माना इसलिए अर्ध नारीश्वर दिखाते हैं, आधा स्त्री आधा पुरुष। पुरुष कौन है? परम पुरुष शिव प्रवेश है। और स्त्री कौन है? ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश है। हाँ, तो रामकृष्ण वाली आत्मा है, ये दोनों मिलकर के अर्ध नारीश्वर बन जाती है। तो सुखधाम भी है और शांति धाम भी है और हमारा शिव बाबा भी है। बाबा माने साकार, शिव माने ज्योति बिंदु। तो एक ही रूप है जिस रूप में शांति धाम भी समाया हुआ है, सुखधाम भी समाया हुआ है और शिव बाबा भी समाया हुआ है। एक ही रूप में तीनों रूप समाये हुए हैं ना। अगर वो प्रैक्टिकल में साकार में चैतन्य रूप में सामने आ जाए तो सुखधाम भूल जाना चाहिए या नहीं भूल जाना चाहिए? खुशी आ जानी चाहिए या नहीं आ जानी चाहिए? अच्छा, वो खुशी बच्चों को आएगी या जो चच्चे बनकर के बैठे हुए देवान में उनको आएगी? जो अपने को बच्चा बनाए, पहचाने बाप को, बाप को पहचाना माने बच्चे बन गए, बाप को नहीं पहचाना माने बच्चे बच्चे नहीं है। इसलिए ऐसा होता है। फोन भी अगर उठाएंगे तो जो बच्चे क्वालिटी की आत्माएं होंगी उनको फोन आवाज आते ही सब कुछ भूल जाए। इतना भी पहले से नोट करके रखे हैं, ये डायरी भी आज बना के रखे हैं, जो लिख के रखे हैं डायरी भी भूल जाए। नारी टू नारायण, नारी है ही नहीं, ये तो आप देह को देख रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि एडवांस पार्टी में नारी से नारायण बनते हैं तो हम देह को देख रहे हैं या आत्मा को देख रहे हैं? अरे नारी टू नारायण होता ही नहीं। एडवांस पार्टी में तो जो नारियां दिखाई पड़ रही हैं ऊपर ऊपर से, वो भी क्या है? नहीं, वो भी नर है, वो स्त्री नहीं है। अरे ये कन्या माताओं की जो मुखिया है वो कौन है? कन्या माताओं की मुखिया कौन है? अरे कन्या माताओं की मुखिया है। एडवांस पार्टी में स्त्री चोले वाले भी है, पुरुष चोले वाले भी है। तो जो स्त्री चोले वाली कन्या माता है उनका मुखिया कौन है रुद्रमाला में? अरे रुद्रमाला में दो प्रकार के मणके हैं, एक तो पुरुष चोले और एक स्त्री चोले। जो स्त्री चोले में कन्या माताएं हैं उनका मुखिया कौन है? अरे जो पुरुष चोले धारी हैं उनका हम जैसे मुखिया कौन है? शंकर, जगत पिता। कन्या माताएं उनका मुखिया कौन है? जगदम्बा। तो नारी है या पुरुष है, क्या है? क्या है वो? अरे शास्त्रों ने सिकंदर रूप दिखाया है, वो बड़े बड़े गुरुओं से भी नहीं डरता है, भीष्म पितामह से भी नहीं डरता है, उसको भी नीचा दिखाना चाहता है। तो जगदम्बा जो है वो हार मानती है क्या? जगदम्बा जगत पिता से पुरुषार्थ में हार मानती है? अपने को नीचा देखती है क्या कि मैं नीचे हूँ तुम ऊंचे हो? नहीं, जब महाकाली का रूप धारण करती है तो कहाँ सवार हो जाती है?
छाती उनके ऊपर सवार हो जाती है, किसके? शंकर के। तो अधीन होने वाली है ये अधिकारी है, अधिकारी होने के संस्कार है, नर से होने के संस्कार है। माता जी बोल रहे हैं अभी तो आत्मा का याद करना तो ठीक है, लेकिन आत्मा करने से भी देह तो याद करते हैं, देह को भी याद करते हैं बार बार, आत्मा को याद करने का है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात गलत है क्या? वो आत्मा ही तो गलत करते करके महसूस होता है, इसलिए तो डर होता है करके। क्या डर होता है? आत्मा ही सब कुछ गलत करता है करके वो डर। आत्मा गलत भी करती है, आत्मा सही भी करती है। तो आत्मा को ही ये शिक्षा दी जा रही है कि अपने को हर समय स्टार के रूप में देखो और दूसरों को भी स्टार के रूप में देखो, और ये चेक करो हर समय कि हम आत्मा को स्टार को देख रहे हैं, स्टार याद है या नहीं याद है। सुबह से शाम तक जब से जगते हैं तब से लेके शाम तक हम अपने को चेक करें कि हमें स्टार याद रहता है, और जिसको देखते हैं उसका देह याद आता है या उसका स्टार याद आता है। कॉन्सेंट्रेशन हमारा कहाँ रहता है? अगर कॉन्सेंट्रेशन स्टार के ऊपर रहता है तो हम आत्मा अभिमानी। अगर देह दिखाई पड़ती है, ये स्त्री चोला है, ये पुरुष चोला है, और अंदर से आकर्षण भी महसूस होने लगा, तो क्या हुए? तो देवानी हो गए। अब प्रैक्टिस करनी है, सुबह सुबह उठते उठते फाउंडेशन ही ऐसा डालना, सवेरे को उठते फाउंडेशन ही ऐसा डालना पक्का। क्या? कि जैसे ही हम सवेरे को उठे वैसे ही मैं आता हूँ, मैं स्टार पक्का करना। क्या इधर उधर बुद्धि भागेगी, कंट्रोल में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पक्का करना है, उठना है, मैं आत्मा हूँ, मैं स्टार हूँ। अभ्यास है इसको, कौन से वैराग्य से कहेंगे, ये दुनिया से वैराग आ जाए, ये दुनिया न खत्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है, ये महल मानिया अटारियाँ, ये टीवी, ये एरोप्लेन सब खराब होने वाले, ये कार, ये मोटर कार, ये सब खत्म होने वाली है, क्या रहेगा? मैं आत्मा। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खलास होने वाला है। 30 साल, ज्यादा नहीं, 30 साल के अंदर। अभी का नहीं बताया है, कब से बताया हुआ है, जब से 100 साल का संगम युग बताते चले आए तभी से ये बात क्लियर हो गई। ये कलयुग की दुनिया 100 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। जब खत्म ही होना है तो अभी से पक्का क्यों न कर दें? बहुत बड़ी प्रैक्टिस करनी है, मैं आत्मा हूँ, वो तो गीत गाते हैं क्या, तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आप असल में भाई भाई और कोर्ट कचहरियाँ करते ही रहते हैं। बाबा शहरों में तो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग पर चल रहा है, ज्योतिर्लिंग 12 अभी शहरों में चला था अभी 5 दिन क्या ठीक है, तो बीकेएस में बाबा एग्जीबिशन चल रहा था, उधर हम गए, उधर तो बुलाया हमको माउंट आबू से, आप लोगों को बुलाया है, आप तो बहुत पुराने हैं इसीलिए तो उधर आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए बोला है, आप लोग आना करके हमको बुलाया, वंचित आत्माएं हैं उनको बुलाया है, जो वंचित हो गई है उनको बुलाया है, उनको कहो बुलाने, जो जिन्होंने पहचाना होगा
तो वो ही दूसरों को बुला सकेंगे। जिन्होंने पहचाना ही नहीं है वो दूसरों को बुला कैसे सकेंगे। वंचित आत्माओं को बुलाना ये एडवांस पार्टी वालों का काम है। जो वंचित हो चुकी हैं एडवांस बेसिक नॉलेज से, बेसिक नॉलेज ले रही थी और वहाँ से टूट चुकी हैं, उनको कोई नहीं उठा सकता। उनको उठाने वाले सिर्फ एडवांस वाले हैं, जिन्होंने खुद बाप को पहचाना होगा वो ही उनको उठा देंगे, वंचित आत्माओं को। दूसरा कोई नहीं उठा सकता। हनुमान चाहिए, हनुमान मित्र। हनुमान क्या काम करता है? संजीवनी बूटी लाता है। ये संजीवनी बूटी क्या है? ज्ञान की बूटी। ये ज्ञान की बूटी ही संजीवनी बूटी है। ये पहाड़ों से आती है। क्या पहाड़ से? पहाड़ माने ऊंची स्टेज से, ऊंची स्टेज से ये आती है। और जो ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं वो ही उसको दे पाते हैं। क्या विकारों की नीची स्टेज में रहते हैं वो इस ज्ञान की संजीवनी बूटी दूसरों को नहीं दे पाते। पुरुषार्थ की ऊंची ऊंची उड़ान में उड़ना पड़े हनुमान मिशन, तब वो संजीवनी बूटी का दूसरों के ऊपर असर होगा, नहीं तो असर नहीं होगा। उनसे उनको समझाओ उल्टा। क्या तुम क्या हमको संजीवनी बूटी सुंघाओगे? हम तो सूंघे बैठे हैं। तभी पुराने आत्माओं को बाबा तो धर्माओं को मैं बुलाया, आप लोग सभी को मैं हम लेके जाते हैं उधर आना। बाबा तो आप लोगों को गिफ्ट देते हैं इसीलिए बुलाया है आपको, तो इन्विटेशन आएगा। समझाओ मुरली का पॉइंट देके, बाबा किसको कहा जाता है? बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। वहाँ तो हम तो बुद्धि में तो नहीं बैठा ना बाबा। वहाँ तो जो सोल प्रवेश करती है वो आकार ही है, निराकार तो आता ही नहीं आजादी में। उनको उल्टा समझाना शुरू कर दो। बाबा तो मुरली में बोल दिया साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार थे उसमें ज्योति बिंदु ने प्रवेश किया, ज्योति बिंदु है निराकार, दोनों के प्रवेश करने से ब्रह्मा बाबा कहा गया। तो ऐसे ही ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया गुलजार दादी को, तो गुलजार दादी में तो शिव की प्रवेशता साबित ही नहीं होती। गुलजार दादी तो जन्म से पवित्र है, कन्या है, कन्या की तन में तो शिव बाबा पवित्र तन में आते ही नहीं। शिव बाबा तो दुनिया का जो सबसे जास्ती अपवित्र तन होता है उसमें प्रवेश करते हैं। अपवित्र से अपवित्र को आकर के पवित्र से पवित्र बनाते हैं। पतित तन में आकर के पतित से पतित कामी कांटे में आकर के उसमें उसको फूल बनाता हूँ। फूल भी कैसा? किंग फ्लावर। फूलों को राजा बनाता हूँ। गुलजार दादी में शिव बाबा कहाँ से आ जाएगा? गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आती है। ब्रह्मा की सोल आकर के दिव्य गुणों की वाणी चलाती है, क्योंकि ब्रह्मा सबसे ऊंची तो ऊंचा देवता है। सत्य का स्वर्ग का पहला पत्ता है, उससे ऊंचा कोई देवता देवता होता ही नहीं। ये दोनों को तो पूरा धंधा दौरी में ही घुस जाते हैं, उसको तो अमृत वाला उतना ही नहीं पाते, इसीलिए उसका प्राप्ति कैसा होगा? तो पूछो, पेट में तो पावर आटा ही जाता है, उस पावर आटे से सब कोई पलते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं जाता है। और जितना कमाएंगे वो सब कहाँ जाएगा? दुनिया में विनाश हो जाएगा, फायदा क्या करेगा? पूछो कोई भी आत्मा कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस बना ले, चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी खरीद के डाल दे, वो सब यही पड़ा रहेगा या साथ लेके जाएगा? यही पड़ा रहेगा। वो सब यही पड़ा रहेगा, साथ क्या जाएगा?
जो पुरुषार्थ करेंगे, जो भगवान को याद करेंगे, दूसरी आत्माओं को जो संदेश देंगे, कल्याण करेंगे, वो ही साथ जाएगा। पेट में तो ये पाव भर आटा भी ये साथ नहीं जाएगा, ये भी रोज खा के रोज तलाश कर दो। வருமான சம்பாதிச்சவர்கள் எல்லாமே போகுதுன்னு சொல்றாங்க பாபா. எதுவுமே இருக்காது, எல்லாமே போகுது. சாப்பிடுறதே இருக்காதுன்னு அது எப்படி இருக்கும்? எல்லாமே போயிட போகுதுன்னு சொல்லப்பட்டாங்க. इधर तमिलनाडु में बाबा प्रदोष करके बोलते हैं, वो प्रदोष करके एक दिन आता है, एक महीने में एक बार आता है। उसमें तो नंदी वो नंदी होता है ना, नंदी का वो ये होता है बाबा, नहीं होते हैं के सिंह, नंदी के सिंह, उसका बीच में तो वो शंकर उसका बीच में तो शंकर पर्वत शंकर पार्वती के पूजा करते हैं। अच्छा, उसका अर्थ तो क्या है बाबा? मैंने प्रदोष के दिन, हाँ प्रदोष के दिन है तो बहुत जमा होते हैं मंदिरों में, बहुत जन जाते हैं दोष निकालने के लिए। प्रदोष का दिन एक ऐसा आता है, कौन से किसी को होता है अमावस्या के तीन दिन के बाद माने तीजरी, तीजरी की कथा, तीसरा नेत्र खुलने की कथा, तीजरी की कथा है। द्वादशी द्विउदशी नहीं द्वादशी प्रतिपदा, प्रतिपदा के बाद दूज, दूज और तीज, तीज माने तीज है तीसरा नेत्र खुलने की कथा। माने जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाता है, इसका जो बैल का, बैल कौन है? नहीं प्रजापिता बैल है, ब्रह्मा की सोल बैल है। जब शिव का मंदिर दिखाते हैं तो शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग है, हैं? शिवलिंग जो है वो जलाधारी में रखा हुआ है, तो जलाधारी हो गई माता, जलाधारी हो गई माता, कौन माता? पार्वती माता। और जो शिवलिंग है वो शिवलिंग हो गया प्रजापिता, उसमें जो बिंदु है वो शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु। और जो बैल बैठा हुआ है वो कौन है? ब्रह्मा की, वो ब्रह्मा की सोल अभी बुद्धि में नहीं बैठा है। ये सारी कन्या माताएं हमारी माता हैं, ये 16,000 गोपियां नहीं है मेरी। जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक माता का भाव रहेगा या 16,000 गोपियों का भाव रहेगा, 16,000 रानियों का भाव रहेगा या माता का भाव रहेगा? गीता का भगवान कृष्ण की सोल बुद्धि में कब बैठाएगी? पहले बैठाएगी या बाद में बैठाएगी? बाद में क्यों बैठाएगी? हमारी बुद्धि में तो आ गया कि गीता का भगवान शिव है, कृष्ण की सोल नहीं है। कृष्ण वास्तव में गीता का साकार भगवान हो ही नहीं सकता, गीता का भगवान तो निराकार शिव शंकर भोलेनाथ हो सकता है। अगर मुरली शिव ने प्रवेश करके दादा लेखराज में सुनाई तो सुनी और दूसरों को सुनाई, समझी? समझी नहीं तो फायदा क्या हुआ? फिर गीता का भगवान किस बात का? गीता का भगवान होगा, सुनेगा भी, समझाएगा भी और समझेगा भी। सुनना सुनाना भी करेगा, समझना समझाना भी करेगा और प्रैक्टिकल करा के भी जाएगा। तीनों मूर्तियों का पाठ बजा के जाएगा तब उसे कहेंगे शिव बाबा भगवान, गीता का भगवान। तो दादा लेखराज की बुद्धि में अभी तक भी नहीं बैठा है, इसलिए वो बैल जो है हींग दिखाए गए। उन दोनों सिंहों के बीच में जब बैलेंस बन जाए कि ये माता है और ये हमारा पिता है, यज्ञ के आदमी भी ये दोनों माता पिता थे उनके, जिन्होंने समझाया था दादा लेखराज को,
कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है। तब उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ था कि मैं ब्रह्मा की सोल हूँ, मैं कृष्ण के रूप में सत्युग में जाके जन्म लूंगा, मैं कृष्ण बच्चा हूँ, मैं कृष्ण बच्चा जाकर के बनूंगा, ये पक्का बुद्धि में बैठ गया कि नहीं? तो जन्म देने वाला कौन हुआ? वो ही माता पिता। பௌர்ணமி அமாவாசையில மட்டும் அலைகள் எல்லாம் அலைகள் எல்லாம் உயரமா சீரும் வருதுன்னு சொல்றாங்க, அதுக்கு கூட ஞானத்துல ஏதாவது மாதாஜி பூச்சி நீ वो पौर्णमी आता है, अमावस्या आता है, सब सागर में तो लहरा ही आता है बाबा, ऊपर ऊपर रह रहे थे, उसका तो सारण क्या है? ज्ञान में तो बेहद सार्थक पृथ्वी है, बीच में ये पृथ्वी है, इधर चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, इधर चंद्रमा है, इधर सूरज है ना? तो जब सूरज पृथ्वी के ऊपर रोशनी डालता है और चंद्रमा बिल्कुल सामने है, तो पृथ्वी की रोशनी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है क्या? पृथ्वी की परछाया में, पृथ्वी के प्रभाव में, पृथ्वी माता के प्रभाव में, क्या जगदम्बा के प्रभाव में ज्ञान चंद्रमा की सोल आ जाती है, तो अंधेरा हो जाता है, परछाया पड़ती है। माने पृथ्वी वाले क्या समझते हैं? पृथ्वी वाले समझते हैं अंधेरा, चंद्रमा के ऊपर अज्ञान अंधेरा फैला हुआ, ऐसे ही समझते हैं ना? हाँ, तो वो है अमावस्या। क्या अम्मा आकर के उस ज्ञान चंद्रमा के दिल में बसी है आगे, अम्मा बसी आए, अमावस्या, अमावस्या नाम रख दिए। जो भी शास्त्रों में शब्द हैं उनके अर्थ हैं, जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है उस ब्रह्मा के दिल में कौन आके बस गई? अम्मा, पृथ्वी अम्मा जो है, पृथ्वी माता है, वो उसके दिल में आके बस गई। दिल में आके कोई किसी के दिल में बस जाता है क्या? कोई किसी के दिल में बस जाए तो कहेंगे उसको फायदा हो गया कि नहीं? तो कौन फायदा हो गया? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसके ऊपर फायदा हो गया? पृथ्वी माता के ऊपर फिदा हो गया। किस रूप में फिदा हो गया? पति परमेश्वर के रूप में फिदा हो गया या बच्चे के रूप में फिदा हो गया? आजकल की दुनिया में घर घर में माताओं के ऊपर बच्चे हावी हुए पड़े हैं या माताओं के कंट्रोल में? कंट्रोल में कंट्रोल कर रहे हैं माताओं को। खुदा न खास्ता अगर बाप शरीर छोड़ दे तो जो बच्चे हैं बड़े होकर के माँ को पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये गीता का भगवान बन गया, घर घर में गीता का भगवान बने बैठे। गीता का भगवान माने पति परमेश्वर, गीता पति, गीता माता के पति भगवान बनकर के बैठते हैं। इसकी शुरुआत करने वाला कौन है? इस परंपरा की शुरुआत करने वाली आत्मा कौन? कृष्ण की सोल। वास्तव में जिस माता ने यज्ञ के आदि में उसको जन्म दिया था कि तू कृष्ण बच्चा है, उसी माता के ऊपर हावी होकर के बैठा, उसमें प्रवेश करके उसकी बुद्धि को ही डाइवर्ट कर देता है। गीता माता का पति परमेश्वर बनकर के बैठ गया, जुल्म कर दिया। जुल्म करना माने बहुत अत्याचार कर दिया। ये बात बुद्धि में बैठे कि कृष्ण वाली आत्मा गीता का भगवान नहीं है। 2500 वर्ष से कृष्ण वाली आत्मा इस दुनिया में मौजूद है और कृष्ण वाली आत्मा ये सुनती चली आ रही है। क्या क्या सुनती चली आ रही है? 2500 वर्ष से गुरु गुजारे क्या सुना? यही सुना कि गीता का भगवान कौन? कृष्ण की सोल। अभी अंतिम जन्म में उसको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि गीता का भगवान कौन? कृष्ण नहीं है, शिव है। लेकिन बात बुद्धि में बैठती है क्या? वो तो समझते हैं गीता का भगवान मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही भगवान साकार में आकर के ज्ञान सुनाता है, और कोई के द्वारा ज्ञान सुनाता ही नहीं। ब्रह्मा की बुद्धि में ही ये बात नहीं बैठी हुई है
तो ब्रह्म कुमारी मूर्ति में कैसे बैठे? विजय माला तो आना ही है ना। जब तक उस बच्चे का, जब तक उस माता का उद्धार नहीं हुआ है, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन। एडवांस पार्टी ये जो खड़ी हुई है उसका आधार कौन है? एडवांस पार्टी जो अभी खड़ी हुई है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने, दुनिया के सामने, उसका आधार कौन है? नहीं, शंकर तो बीज है, आधार कहाँ है? राम बोले राम वाली आत्मा तो बीज है। ब्रह्मा बाबा तो एडवांस पार्टी में प्रवेश करने वाला है। साकार तो कौन है? आधार प्रजापिता बीज है या आधार है? आधार माने जड़ कौन है? कमला देवी दीक्षित वो आधार है। वो निकली होती ना निकली होती, अगर वो ही नहीं निकली होती, जगदम्बा ही नहीं निकली होती, तो ये सब यहाँ बैठे होते क्या? ये 600-700 जो कन्या माताएं सरेंडर हो गई हैं, वो सरेंडर हो गई होती क्या है? नहीं सरेंडर हो गई होती। तो जब तक आधार का उद्धार नहीं होगा तब तक किसी का उद्धार नहीं होगा। पहले माता गुरु का उद्धार होना चाहिए। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है, ये अगस्तवाणी में बोला। तो दिल्ली कौन है? जगदम्बा दिल्ली है। அப்பா அந்த அலைகள் வந்து அந்த அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு வர்றது வந்து நம்முடைய மனசினுடைய சென்சலைதா என்ன சேர்றது மாதாஜி போட்டையும் ஏதோ அமர மனச சஞ்சலத்தை ஹோகா கேட்க அமாவாசை பௌர்ணமி மட்டும் அந்தேரா ஹோகா ஜப் ஜான் சந்திரமா பிரம்மா ஹி அந்தேரே ஹோகா சபகா மன சஞ்சல ஹோகா பேடா பத்தா ஹி ஜப் ஹிலேகா டுலேகா தோ சப் ஹிலேங்கே டுலேங்கே बाबा वही दिन दुनिया में तो अमावस्या पौर्णमी वही दिन भूत प्रेत को बुलाते भूत प्रेतों का जो जमावड़ा होता है वो अमावस्या के दिन ही होता है। क्यों अमावस्या के दिन होता है? यहाँ की परंपरा अभी पड़ रही है, अभी भूत प्रेत आत्माओं की पूजा कर रही है ब्रह्मा कुमारियां, तांत्रिक प्रक्रियाएं कर रही है, तांत्रिकों के घरों में चक्कर लगा रही है। वो दिन में क्या होगा बाबा, जो रोगी होते हैं वो अधिक हो जाएगा रोग और अभी भोग बढ़ देंगे, भोग बढ़ जाएगा, प्रेत आत्मा प्रवेश करके रोगों की वृद्धि कर देंगे। नहीं बाबा साधारण वाले तो ऐसा ही बोलते, जो कुछ साधारण वाले नहीं जो प्रवेश कर रहे हैं इस समय, सारा ज्ञान होते हुए भी बुद्धि में से सारा ज्ञान हो जाता है, विरोधी संकल्प ही आते हैं। बाबा बाबा तो वाणी में बोला है प्रजापिता तो डालना है, लेकिन किधर भी अभी तक नहीं डाला प्रजापिता करके। अभी सेलम में तो वो ज्योतिर्लिंग का तो वो फंक्शन चला, अभी बीके वालों ने नहीं डाला या पीबी के वालों ने नहीं डाला? बीके वालों ने नहीं डाला, वो बाप को पहचानते ही नहीं तो डालेंगे क्यों? नहीं वो भाई तो अभी तक कोई भी नहीं, उनकी बुद्धि में बाप की पहचान ही नहीं है। बाबा अभी तो अभी 5 दिन चला इधर सेलम में, उधर तो प्रजापिता करके अभी डाला है। हाँ वो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखते ही है आश्रम में, लेकिन अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं कहते? नहीं कहते, अपने को नहीं कहते। जब अपने को ही नहीं जाना कि हम प्रजापिता के बच्चे हैं, अम्मा के बच्चे हैं, अम्मा बाप दोनों के बच्चे हैं, तो फिर बोलने से क्या फायदा? आश्रम के ऊपर लिख दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, लेकिन आप नहीं समझते। वो लोग लिखा है बाबा ऐसा तो पंपलेट में लिखा है शिव परकाय प्रवेश किया लिखना है, लेकिन वो लोग लिखा है शिव अवतार लिया है करके लिखा है, वो तो गलत हो जाएगा ना बाबा। नहीं अवतार लेने का मतलब है ऊपर से नीचे आना। अवतार मतलब वो परकाय प्रवेश होना माना, परकाय प्रवेश होने पर की काया में, दूसरे की काया में प्रवेश, दोनों का अर्थ लिखे होता दोनों की।
माता जी पूछ रहे अमावस्या के दिन वो नींबू वो बाद में वो मिर्ची हाँ वो सभी तो वो करके दृष्टि के ओके तीन जगह होते हैं नींबू है ना हाँ ये नींबू है ना ये नींबू है खट्टा कहते ना ऐसी बात कहती तुमने हमारा मुंह खट्टा कर दिया एक तो नमक एक खट्टा मिर्च लाल मिर्च खास और एक नींबू ये तीनों चीजें जो हैं वो नमकीन तैयार करती है बढ़िया और फर्रुखाबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है कहाँ का नमकीन फर्रुखाबाद का नमकीन इसका मतलब फर्रुखाबाद का जो नाम लिखा है मुरली में फर्रुखाबाद का मालिक फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं मालिक माने विश्व का मालिक तो विश्व का मालिक ऐसी वाणी उच्चारण करता है जिससे नमकीन मुंह हो जाता है खट्टा मुंह हो जाता है वाणी हाँ वो वाणी जब चलाई जाएगी तो भूत प्रेत आत्माएं भागेंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है ना वो एडवांस ज्ञान उनको सुनाया जाए जो एडवांस ज्ञान बहुत तीखा है इतना तीखा है कि वो लोग सुनना भी नहीं चाहते उनके कानों में खुजली होने लगती है कान बंद कर लेते हैं अल्लाह अल्लाह भगवान को याद करो शिव बाबा को याद करो ज्ञान ज्ञान नहीं ज्ञान धरा रहने हमने बहुत सुना भाई पूछ रहे वो शिव का मंदिर में तो वो नंदी को सामने रहता है कुछ करके पूछ रहे वो ब्रह्मा की सोल ही सदैव रहती है एडवांस पार्टी में ब्रह्मा की सोल जहाँ जहाँ कहीं भी ज्ञान सुनाया जाता है जहाँ जहाँ कहीं भी क्लास होता है वो हनुमान की आत्मा तैयार रहेगी सुनने के लिए इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं जहाँ जहाँ रामायण की कथा होती है वहाँ अंजने सामने मौजूद रहते हैं अरे वो जब बुद्धि में ही विराजमान है बुद्धि में किस लिए विराजमान है ज्ञान का तीसरा नेत्र जब ज्ञान सुनाता है तो वो चंद्रमा की सोल भी पहले सुनती है क्योंकि उसे पहला पत्ता बनना है नई दुनिया का नई दुनिया का पहला पत्ता बनना है तो ज्ञान भी तो सबसे पहले सुनेगा ना समझना भी उसको है भले लास्ट में जाके समझे जब तक वो नहीं समझेगा तब तक कोई का समझने का फायदा नहीं होगा अंजनेय ही महावीर है महावीर ही हनुमान है तो राम का तो दिल में तो दिखाते हो हनुमान तो जिनके दिल में बसा हुआ है उसका अंदर राम है ना कैसा महान उसके दिल के अंदर याद है दिल कौन है ब्रह्मा बाबा का भी दिल कौन है बाप ब्रह्मा बाबा का दिल कौन है ब्रह्मा बाबा का दिल नहीं दिल ही दिल है ब्रह्मा बाबा का दिल कौन है हा? अरे दिल कौन है दिल दिल्ली दिल्ली ही दिल है बाप दादा का दिल है दिल्ली अब देखते वाणी सुनते ही नहीं पढ़ते ही नहीं याद नहीं सर भाषा प्रॉब्लम भाषा प्रॉब्लम भाषा के ऊपर डाल देते हैं भाषा जानते हैं ये माता जी पूछ रही है अरे एक बात इनकी हल होने दो दिल्ली दिल है दिल्ली दिल है और दिल्ली के ऊपर दिल किसका आ गया दिल्ली में अभी यार मन तो दिल बाबा ब्रह्मा बाबा का दिल आया हुआ पड़ा है ब्रह्मा बाबा मन क्या तो जब तक दिल का उद्धार नहीं हुआ है तब तक उसके ऊपर फिदा होने वाले का भी उद्धार नहीं हुआ यार क्या पूछ रही ये माता जी पूछ रही है वो रविवार को गुरुवार को सभी तो कर्पूर
उसको तो जला के भी ऐसा करते वो कर वो क्यों करेगा बाबा कर्पूर होते हैं ना कर्पूर वो तो रविवार को गुरुवार को वो सभी का घरों में ऐसा करते वो तो हाँ बाबा वो एक नारियल का गुरुवार को कपूर जला करके आरती करते किसकी आरती करते घर के आरती बन रहा है आरती करते हैं पूरे घर में नहीं बाबा हर एक आत्मा को ऐसा कर्पूर लेके एक नारियल कर दे वो फेंक देते हैं बाहर ज्ञान की रोशनी है एक ही ऐसी चीज है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम कर्पूर जैसा गौरा गोरा रूप जिसका है शंकर को दिखाते हैं तो वो जैसे चंदन का वृक्ष होता है खुशबू वाला ऐसे ही वो ज्ञान की रोशनी देने वाला है कर्पूर गौर शंकर का स्वरूप उसको ज्ञान की अग्नि से जलाना वो तो ज्ञान की अग्नि से जला के चारों तरफ घुमा देंगे तो कल्याण हो जाएगा नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है அதாவது கற்பூர ஒளி அந்த ஒளி தரக்கூடிய வந்து சிவ பாபா அவர் சங்கர் ரூபத்துல வராரு அவர் என்ன பண்றாரு அவருக்குள்ள வந்து சொல்றாங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க உத்தர பாரத் அப்படிங்கறத காட்டு கபூர் கூட घुमाते உத்தர பாரத் சந்தன கி லக்கடி ஹோத்தி சந்தன கி லக்கடி கோ ஜலாத்தே தூப் சந்தன கி லக்கடி கி தூப் பனாத்தே வோ தூப் சாரோ தரப் சே घुमा देते ऐसे तो भूत प्रेत भी भाग जाते चंदन क्या है चंदन अभी से व्यापत नहीं लिपटे रहे थे भुजंग चंदन का वृक्ष जो है उसमें भले सांप भी लिपटे रहते हैं तो भी चंदन के ऊपर कोई असर नहीं होता चंदन की लकड़ी फिर भी खुशबू देती रहती ऐसे ही ये शंकर जी का स्वरूप चंदन का वृक्ष है चंदन की लकड़ी है जिससे धूप बनाई जाती है वो धूप में अग्नि लगा करके उसका धुआं किया जाता है तो भूत प्रेत सब भाग जाता है ऐसे ही कपूर है रही बात रविवार को क्यों गुरुवार को क्यों गुरु है सदगुरु और रवि माने ज्ञान सूर्य इसलिए दो दिन ही जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है जब सदगुरु प्रकट होता है तो उसी दिन ये काम करने से फायदा होगा और दूसरी आत्मा जब प्रकट होती है उस समय तो कोई फायदा होता नहीं பாபா இந்த அவரை பாலக்கோடு திட்டப்படுத்தாமே எல்லாரும் காலையில வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லி காலையில செய்யறோம் माताजी को ऐसे पूछ रही पहले तो लड़का वो पालपड़ का गीता पाठ चल में शाम को क्लासेस चलता था सब बहुत अच्छा था अभी बाबा तो बोले सुबह का शाम का पति वो बोल गया इसीलिए हम तो वो बदली कर दिया सुबह में हम 8 से 9 बजे तक चला रहे हद का अमृत वेला हद की शाम है बेहद का अमृत वेला तो लगातार चल ही रहा है जो बड़े आदमी होते हैं वो दो बार स्नान करते हैं
या एक बार स्नान करते हैं? दो बार। हम बड़े आदमी हैं? नहीं बाबा, ये छोटे आदमी हैं। नहीं, ये माता जी के अवसर पहला तो शाम में चलता था, अभी तो शाम में तो कोई आ नहीं सका। इसलिए तो उनको समझाओ कि अगर बड़ा आदमी बनना है दुनिया में 84 जन्म तो दोनों टाइम क्लास करना चाहिए। शाम को भी क्लास करो भट्टी करते हैं, निश्चय पत्र लिखते हैं, निश्चय पैदा होता है तो जैसे जिंदा हो गए, छोटा बच्चा बन गए तो बच्चा सत्व प्रधान होता है, जब तक सत्व प्रधान है तब तक क्लास करने की रमक ज्यादा रहती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, जब बड़ा होता है तो दुनिया की हवा लगती है, और दुनिया की हवा लगती है बिगड़ना शुरू हो जाता है। सत्व प्रधान से सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर तमो बन जाते हैं। अभी तमो बन रहे हैं तो क्लास करना भी बंद, धीरे धीरे अमृत वेले भी बंद हो जाता है, अमृत वेले भी क्लास में आना बंद कर देते, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, सातवें दिन आएंगे। कौन आएंगे सातवें दिन? जो क्रिश्चियन धर्म में मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हुए होंगे वो शुक्रवार को जुमा जुमा क्लास करेंगे, संडे संडे क्लास करेंगे, रोज नहीं आएंगे। ஞாயிற்றுக்கிழமை संडे संडे जाएंगे। अभी सब तो समझ टाइम हो गया हमेशा।